हजरत मौला अली का दौर है और एक लड़की किसी काम से जा रही है। अचानक हवा चलती है, हवा चलती है ना तो उसका पर्दा खुल जाता है। एक जवान शख्स उस लड़की की आंखें देख लेता है और जब आंखें देखता है ना तो उसकी आंखों पर फिदा हो जाता है। और इस तरह फिदा हो गया कि उसने कसम उठा ली कि मैं अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर, उसने ये कसम उठा ली। घर आया वापस, उसको बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। एक बूढ़ी औरत के साथ उसने उस लड़की के घर पर निकाह का पैगाम भेज दिया। बूढ़ी औरत उस लड़की के पास जाती है, जाने के बाद में इस लड़के का पैगाम सुनाती है कि उसने निकाह के लिए कहा है। उसने मना किया लड़की ने, लेकिन बूढ़ी माँ ने कहा वो किसी भी हाल में मानने वाला नहीं। लड़की कहने लगी आखिर ऐसी कौन सी चीज़ मेरे अंदर उसने देख ली जो मेरे बिना किसी से निकाह करना ही नहीं चाहता, करेगा तो सिर्फ मुझसे, आखिर क्या वजह है। तो लड़की ने जब वजह पूछी तब उस औरत ने बताया कि फला दिन आप गुजर के जा रही थी, हवा चली, अचानक आप पर्दे में थी लेकिन आपका पर्दा उठा और आपकी आंखें उस लड़के ने देख ली और वो आपकी आंखों पर फिदा हो गया। जब ये बात सुनी ना तो उसने कहा ठीक है, अगर वो मेरी आंखों से प्यार करता है, मेरी आंखों से मोहब्बत करता है तो ठीक है। अंदर कमरे के अंदर जाती है, एक छुरी लेती है और छुरी लेने के बाद में अपनी आंखों को छुरी से निकाल कर एक बर्तन में करके उस बूढ़ी औरत के सामने पेश कर देती है। अभी खून निकल रहा है, छुरी खून से भीगी हुई है। बूढ़ी औरत भी डर जाती है, सहम जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया, ये क्या कर डाला। बूढ़ी औरत सहमी हुई, डरी हुई, और फिर उस लड़की ने कहा जाओ उस लड़के से कह देना कि उसने मेरी आंखों को देखा था, उसे आंखों से प्यार है ना, तो ये ले मेरी आंखें उसके लिए मैंने पेश कर दी। और फिर कहती है कि अगर मैं कल मैदान कयामत में गई, फातिमतुज़्ज़हरा ने पूछ लिया कि तू मेरी कैसी कनीज थी, कि तेरी आंखों को किसी गैर महरम ने कैसे देख लिया, मैं क्या जवाब दूंगी। ये बूढ़ी औरत जाती है उस मर्द के पास में और कहती देखो उस लड़की ने ऐसा ऐसा किया। आखिर ये बात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के पास में पहुंच जाती है। जब मौला अली के पास में बात पहुंची तो हजरत मौला अली ने दोनों को बुलाया। बुलाने के बाद में उस लड़की से पूछा कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। आखिर उस लड़की ने जवाब दिया कि ऐ मौलाए कायनात, अगर मैं इससे निकाह कर लेती ठीक है, लेकिन कल जब हजरत फातिमतुज़्ज़हरा मुझसे पूछती कि तूने अपनी आंखों पर किसी गैर महरम की नजर क्यों पड़ने दी, तब मैं क्या जवाब देती। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमतुज़्ज़हरा की कनीज है, उसने ऐसा जवाब दिया। हजरत मौला अली ने दोनों की शादी करा दी और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने उसकी आंखों को बर्तन में से उठाया और उठाने के बाद में उसकी आंखों को उसकी आंखों पर लगा दिया। और लगाने के बाद में कसम खुदा की वो लड़की खुद कहती है मुझे जितना पहले नजर आ रहा था उससे अच्छा मुझे अब नजर आ रहा है। ये मौला अली की ताकत है, ये मौला अली की रूहानी ताकत है। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये कि आज हमारी बहनें, हमारी माएँ बाजारों में टहल रही हैं। बाप अपनी बेटी से कुछ नहीं कह रहा, भाई अपनी बहन से कुछ नहीं कह रहा और बेटा अपनी माँ से कुछ नहीं कह रहा। लोगों क्या हो गया, पर्दे का एहतमाम करो। और जो लड़की पूछे ना कि पर्दा क्यों किया जाता, तब उनसे कहो बेटा पर्दा हर कोई नहीं करता, पर्दा वही करता है जो कनीज़े फातिमा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कनीज़े फातिमा हो, अपने मकाम को, अपने तकद्दुस को समझो, यूँ अपने तकद्दुस को पामाल मत करो। कीमती चीज़ पर्दे में रखी जाती, छुपा कर रखी जाती, कोई कूड़े को छुपा कर नहीं रखता। कोई नहीं रखता है किसी कूड़े को अलमारी के अंदर, पर्दे में उसी चीज़ को रखा जाता, छुपा कर उसी चीज़ को रखा जाता, सेव उसी चीज़ को किया जाता जो चीज़ कीमती हो। अगर आप सोना लेकर के आए तो यूँ कुर्सी पर या मेज़ पर नहीं डाल देते, आप उसको अलमारी में रखते हैं क्योंकि ये कीमती चीज़ है, बाकी सामान पड़ा है। लेकिन सोना सेव जगह क्यों, इसलिए कि सोना बहुत कीमती है। तो अगर कोई घूमता है तो घूमने दो, आप पर्दा करो। अगर कोई कहे कि फुला लड़की पर्दा नहीं करती है, फुला औरत पर्दा नहीं करती, तो अपनी बेटी को समझाओ कि पर्दा हर कोई नहीं करता, पर्दा वो करता है जो कीमती होता है। आप कीमती अपने आप को समझ करके पर्दे में रहो, इसलिए कि तुम कनीज़े फातिमा हो। हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा की सीरत जब मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि आसमान ने कभी फातिमतुज़्ज़हरा के बालों तक को नहीं देखा, नाखूनों को नहीं देखा, आसमान
किसी गैर महरम की बात किया और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, एक सियाबी हुजूर के जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि नाबीना है, आंखों से देख नहीं सकते, आपके पास जब आए ना तो आपके पास में आपकी जौजा बैठी हुई, तो आपने फरमाया आप पर्दे में हो जाओ। तो वो अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना है, अब हुजूर का फरमान सुनो। हुजूर फरमाते हैं कि अगर वो नाबीना है लेकिन आप तो नाबीना नहीं, आपकी तो आंखें, आप तो देख सकती है। तो पता ये चलता है जिस तरह मर्द के लिए औरत का देखना जायज़ नहीं है, इसी तरह औरत का किसी गैर महरम को देखना भी जायज़ नहीं है। पर्दे का अहतमाम करें मेरी माएँ मेरी बहनें, मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ आप सबसे कि आप पर्दे का अहतमाम